मैं डॉक्टर नीलम जोशी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, अरंथ हॉस्पिटल से। अब हम बात करेंगे एक और एडिक्शन की, जो कि प्रायः आजकल हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है और जहाँ तक सारे पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स, सभी लोग इस परेशानी से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। इस एडिक्शन मैक्सिमम टाइम फ़ोन पे या गेम्स खेलना, गेमिंग एडिक्शन, इसको ये प्रायः छोटे बच्चों से लेके किशोर में, व्यसक में, महिला में या पुरुष में आजकल सामान्यतः देखने को मिल रहा है। इसकी पहले इसमें इतना ज़्यादा एडिक्शन नहीं था, सामान्यतः लोग अपने कामों के लिए इसका प्रयोग करते थे, लेकिन विगत वर्षों में कोविड के बाद इसकी स्थिति एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुकी है, तो इसको एडिक्शन में शामिल कर लिया गया है। इसमें छोटा बच्चे से लेके बड़े व्यक्ति तक सभी को इसमें शामिल किया गया है, गेमिंग एडिक्शन या ऑन स्क्रीन एडिक्शन। यह एडिक्शन में कब तब्दील होगा? जब हम यह देखेंगे कि सामान्यतः बच्चे या कोई भी व्यक्ति मैक्सिमम टाइम 5 to 6 hours स्क्रीन में बिता रहा है और उस स्क्रीन में गेम्स खेल रहा है या किसी भी तरीके की एक्टिविटी कर रहा है, और उसके कारण से उसके जो डेली लिविंग स्किल्स हैं, जिसमें उसका बाथिंग, हाइजीन, उसका डेली रूटीन डिस्टर्ब होने लगा है, उसका जॉब या अगर वो बच्चा है स्कूल जा रहा है, कहीं ना कहीं वह उसका इफ़ेक्ट हो रहा है, खाने की आदतें उसमें चेंज होने लगा या उसको भूख नहीं लगना, इस तरीके के सिम्टम्स उस बच्चे में दिखाई देने लग रहे हैं, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी होना, फ़ोन न देने पर आक्रामक स्थिति का उत्पन्न हो जाना या डिस्ट्रैक्शन की तरफ तोड़फोड़ करना, अत्यधिक गुस्सा होना, अपने जो भी उसको स्कूल का, जॉब का, जो भी उसको काम या उसको वर्क मिला है उसको समय पे न ख़त्म करके मैक्सिमम टाइम फ़ोन पे या ऑन स्क्रीन पे रहना या गेमिंग खेलना, तो यह कहीं ना कहीं गेमिंग एडिक्शन की तरफ इशारा करता है। इसको आजकल अत्यधिक लगभग हम पूरी सोसाइटी में अगर हम देखें तो हमें इस तरीके के लोग प्रायः देखने में मिल जाएंगे, लेकिन अभी समाज में इसकी जागरूकता नहीं है कि इसके आगे आने वाले समय में इसके दुष्परिणाम क्या होने वाले हैं। इस ऑन स्क्रीन या गेमिंग एडिक्शन से अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो उनमें कई सारे डिलेज या देरी, विकास में देरी जिसे हम कहेंगे, वह दिखाई देने लगे हैं, जिसमें उनका बोलना, व्यवहारिक होना, सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ उदासीनता, घर से बाहर ना निकलना, इस तरीके के सिम्टम्स दिखाई देने लगे हैं, जो कि वही बच्चा जब व्यसक या व्यक्ति बड़ा बनेगा या किशोरावस्था में आएंगी तो उसकी ये चीज़ें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएँ हैं। तो अभी समाज में भी इसकी बहुत ज़्यादा लोगों में जागरूकता नहीं है, यह इसको बहुत ही सामान्य तरीके से देख रहे हैं, लेकिन एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होने के नाते मेरे सामने इस तरीके के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं और कोविड के टाइम में भी बहुत सारे इस तरीके के केसेस हम लोगों ने देखे, जिसमें एक ऑन स्क्रीन या गेमिंग एडिक्शन बच्चों में और किशोरों में हमें बहुत अत्यधिक देखने को मिला, और उनसे कहीं ना कहीं उनका जो मेंटल, फिजिकल, सोशल जो ग्रोथ था वो कहीं ना कहीं रुक गया या उसमें कमी आना शुरू हो गया, तो वही आगे चल के उनका पर्सनालिटी डिसऑर्डर या किसी न किसी तरीके के डिसऑर्डर में कन्वर्ट होने की संभावना बन जाती है। तो इसमें जागरूकता, अवेयरनेस फैलाएं, बच्चों को कम से कम इसमें दवाई की तो नहीं, लेकिन हाँ काउंसलिंग और उनका जो एक पेरेंटिंग काउंसलिंग इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्टर काम करता है, कहीं ना कहीं उनको फिजिकल एक्टिविटी में, आउटडोर एक्टिविटीज़ में, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों, अगर बड़े हों तो योगा,
मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, हॉबीज की तरफ उनको प्रेरित करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए भी आप साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, डॉक्टर से मिलिए और काउंसलिंग सेशंस तो ज़रूर लीजिए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि हाँ, ऑन स्क्रीन से या गेमिंग एडिक्शन से भी व्यक्ति में, बच्चों में, किशोरों में समस्या आ सकती है और आगे चल के इसके दुष्परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अभी से इसको इंडिकेट करके यहीं पे रोकने का प्रयास करिए और लगातार इसमें बच्चों को पॉजिटिव एक्टिविटीज़ की तरफ, बड़ों को पॉजिटिव हॉबीज़ की तरफ एक्टिव रखिए। धन्यवाद। Thank you.